सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट यानी कार्य पत्रक 18 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और ये 26/11/2020 की जो है ये वर्कशीट है। चलिए अब जो है हम अपनी वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है घातांक और घात। घातांक और घात, देखो घात किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। घात क्या होता है, जो भी हमारे आधार होता है, जैसे कि आधार हो गया हमारा 2, उसके ऊपर जो भी हम संख्या लगाएं, जैसे कि 2 लगा दिया या 3 लगा दिया, इसको बोलते हैं हम इसकी घात, 2 की घात 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है जैसे आओ दोहराएं, 8 = 2×2×2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, यानी 2 की घात कितनी है, 3। 2 के ऊपर क्या है, 3 क्या है, ये घात होती है। अब ये क्या है, 81 है, 3×3×3×3, या हम लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर कितनी घात है, 4 है, कितनी घात है, 4 घात है। अब 64 यानी 2×2×2×2×2×2 या 2 की घात 6, यानी कि 2 के ऊपर घात है हमारी 6। 125 को कैसे हम इसको तोड़ेंगे, 5×5×5, यानी 5 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 की घात यानी 5 के ऊपर कितनी है, 3 घात है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं, यानी कई बार जो है हम खुद से ही गुणा करते हैं तब जाके जो है हमें ये संख्याएं मिलती हैं। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए जो है हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो a×a×a बराबर हम करते रहेंगे और फिर यहाँ पर a, यानी a जो है हमारा आधार है और इसकी घात क्या है, n है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितनी घात जाएगी, ये n कितनी बार आ रहा है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर इसकी घात n है और आधार क्या है, a। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, यानी आधार भी ऋणात्मक हो सकता है और घात भी ऋणात्मक हो सकती है। कैसे, चलिए नीचे हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि कोई भी घात 1 के बराबर होती है, यानी 1 की कोई भी घात जो है 1 के बराबर ही होगी। जैसे कि 1 की घात क्या है, 5 है, तो वो किसके बराबर होगी, 1 के ही बराबर होगी। जब हम किसी संख्या की यानी जब हम 1 की गुणा 1 में ही करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। अब -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर ही होती है, यानी -1 के ऊपर अगर हम कोई भी विषम घात लगाएंगे तो हमें क्या, -1 ही प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए -1 है, इसके ऊपर विषम घात क्या है, 5। देखो एक संख्या होती है सम और एक होती है विषम। सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6 और विषम संख्याएं जैसे 3, 5, 7। अब यहाँ क्या है, 5 है, तो जब हम विषम, एक जो विषम संख्या है और इसके ऊपर घात भी किया है, यानी जो एक जो है माइनस का 1 है और इसके ऊपर घात क्या है, विषम संख्या है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, विषम संख्या में ही आएगा। और जब -1 की कोई भी घात क्या है, सम घात हो, जैसे कि -1 की जो घात है वो क्या है, 6 है, सम संख्या है, तो फिर जो है वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होगी, वो 1 के बराबर होगी। आगे करते हैं हम गुणारूप, यानी संख्याओं को बराबर जोड़ना, संख्याओं को बराबर जोड़ना। जैसे 3×2 = क्या आ गया हमारा, 6, 2 × 3 = 6। अब हमने बराबर जोड़ो 3 और 3, हमने 3 के बराबर किसको जोड़ा, 3 को, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो गुणारूप क्या होता है, बराबर जोड़ना, ठीक है, ये भी एक गुणा का रूप ही है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 +
छः, और छः के बराबर रूप में जोड़ा हमने जैसे दो दो और दो को। अब ये एक होता है घातांक रूप, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना, यानी एक ही संख्या को बार बार गुणा करना। जैसे कि तीन है, तीन की घात कितनी है, दो, तो दो को हम तीन को कितनी बार गुणा करेंगे, दो बार, 3 गुणा 3 आ जाएगा हमारा 9। अब जैसे कि दो की घात कितनी है, तीन है, तो हम दो की गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उसी में ही बार बार करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दुनी 4 दुनी 8 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें दिखाया गया है, आओ करें, एक आयतकार बराबर आकार का एक कागज लें, यानी एक कागज लेना है आयतकार, और एक आयतकार कागज आधार जो है 2 को दिखाता है, यानी जो एक कागज जो है आयतकार, जो ये कागज है, इसका आधार ये किसको दिखाता है, ये 2 को दिखाता है, यानी एक आयतकार कागज का जो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है वो घात को दिखाता है, यानी एक जो कागज है वो तो आधार को दिखाता है, और जो इसको मोड़ा जाएगा वो किसको दिखाएगा, वो इसकी घात को दिखाएगा। जैसे कि ये हो गया, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और इस पर कोई भी मोड़ नहीं है, तो 2 की घात कितनी है, 0। जब भी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब 2, इसको हमने कितनी बार मोड़ा, एक लाइन है, इसको अगर हम ऐसे पलट देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, तो 1 बार मोड़ा, इसमें कितने मोड़ हैं, 1 मोड़ है, यानी 2 की घात कितनी है, 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 है आधार, यानी कागज तो 1 है आयतकार, लेकिन इसके जो मोड़ हैं वो कितने हैं, 2 मोड़ हैं, और जब हम इसके 2 मोड़ को मोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो ये एक कागज है, यानी आधार कितना है, 2 है, और मोड़ कितने हैं, 3 है, ठीक है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई, जब 3 में 3 बार हम 2 2 बार की गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि आधार क्या होता है, घात क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पर एक संख्या दी है 4 की घात 3। अब ये जो 4 है, ये जो 4 हो गया, ये तो आधार है, और ये जो उसके ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, ये होता है इसकी घात। इसका मतलब क्या होता है इस 3 का, कि हमें 4 की गुणा जो है 3 बार करनी है। ये इसको प्रसारित रूप में भी दिखाया गया है कि 4 की गुणा, ये जो 4 आधार है, इसकी गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3। तो चलिए करिए, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, और 16 चौके 64 हमारा इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या दी है 9 की घात 3। अब ये आपको अपने आप फिल करना है, मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रखा है, 9 की घात 3, आधार में क्या आ जाएगा, आधार जो नीचे वाला 9 आ जाएगा, और घात में क्या आ जाएगा, 3, ऊपर क्या है इसके, 3। अब प्रसारित रूप में हम इसको खोल कर लिख देंगे, 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार, ठीक है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो और हम जब इसकी करेंगे, 9 नीम 81 और 81 नीमा 729 हमारा हो जाएगा। चलिए अब देखो, -1 की घात जो है 4 है, यानी सम संख्या है। जब भी कोई घात जो है सम संख्या होती है माइनस की, तो आपको पता है कि आंसर तो हमारा प्लस में ही आएगा, तो फिर -1 ये इसका आधार है और घात है इसकी 4, तो -1 के जो है 4 बार गुणा कर देंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो -3 की घात क्या है, 2 है, तो आधार क्या हो गया, -3, और घात हो गई इसमें 2, तो मल्टीप्लाई करो, -3 गुणा -3, और आंसर आएगा हमारा 9। प्लस का 9 क्यों आएगा, क्योंकि हमारी जो घात है वो क्या है, एक सम संख्या है। अब देखो आओ अभ्यास करें। अब यहाँ पर जो है हम अभ्यास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सवाल को जो है मैंने नीचे जो है जो आपको जो है समझाने की कोशिश की है, ये जो हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये हमारा क्वेश्चन था कि
6 × 6 × 6 × 6 यानी 6 जो है कितनी बार आया है, 6 आ रहा है 4 बार, तो 6 की घात कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2, और 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 की घात भी कितनी हो गई, 2। अब ये देखो ये यहाँ पर 512 है, 512 के पहले हमने क्या कर लिए, गुणनखंड हमने इसके कर लिए 512 के। आप गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर 512 लिखें, फिर इस तरीके से 2 से कर दें, 2 दुनी जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसी प्रकार से हम इसको जो है आगे इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको गुणनखंड निकाले तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हुई, ये हमारे पास संख्या प्राप्त हुई, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। इसके बाद देखो 243, यानी कि इसके जब हमने गुणनखंड किए तो क्या आया, 7 × 7 × 7। गुणनखंड करने की विधि वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, ठीक है, यानी 7 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल क्वेश्चन वर्कशीट में 2 हैं जो हमें अभ्यास करने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। अच्छा, इसमें 2 के बाद एक क्वेश्चन और भी दिया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। ठीक है, इसको भी हम करेंगे, पहले हम 2 क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। अब इसमें आपको बताना है बड़ी संख्याएं क्या हैं। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, अब 4³ और 3³ ऐसे हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको तो 4³ जो 3 है हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी 4 को जो है 3 बार, तो 4 × 4 × 4, तो हम गुणा करो, 4 × 16 और 16 × 64, ये तो आ गया हमारा 64। अब 3³ क्या है, 4 बार, इसको खोल लो, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे, तो 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 × 9 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। तो पता क्या चला कि हमें अब पता लग गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यानी ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, 3³ बड़ा है। इसी प्रकार जो है ये है 5³ और 3³। हमने क्या करना है कि 5³ जो 3 है इसको प्रसारित रूप में लिख देना है, 5 × 5 × 5, हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, आ गया 125। ठीक है, अब नीचे है 3³ क्या है, 3³ है यहाँ पर हमारा 5, तो 3 को हम बार बार जो है 5 बार जो है हम 3 को गुणा करेंगे, जैसे 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 243। तो हमें पता लग गया बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, वो बड़ी संख्या है 3⁵, ये ग्रेटर नंबर है। अब देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये है सिंपलीफाई, यानी सरल कीजिए। क्वेश्चन था कि 2³ × 5, तो सबसे पहले इसको प्रसारित रूप में लिख लो, 2 × 2 × 2 और फिर बाद में गुणा 5, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। और जब भी देखो किसी भी संख्या की, यहाँ पर देखो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है −3 × तो हमने लिख दिया −3 × उसके बाद −2³, तो हम क्या करेंगे, −2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, −2 × −2 × −2, ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 3 × 6 = 6 × 12 = 12 × 24, आंसर हमारा प्लस आएगा, क्योंकि देखो −±+±−, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे वर्कशीट के जो क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन थे, हमने इन तीनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया और आपको जो है समझाने की कोशिश की है, और इस प्रकार जो है हमने आपके साथ जो है वर्कशीट जो है डिस्कस की है, और मैं आशा करता हूँ कि जो वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और आप जो है आपको अगर ये वर्कशीट जो है अच्छे से समझ में आई है तो आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।